हेलो जी, राम राम जी। आप सभी को हैप्पी होली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और रंगों भरा त्यौहार खुशी खुशी एंजॉय करेंगे। तो जी, मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ, हेयर वॉश किए हैं मैंने, सर वर धोया, क्योंकि आज बनेगा खाना जो देवताओं पर जाएगा। और सारे को झाड़ू वाड़ू लगा दी है, अभी बनने लग गई है खीर। पूजा भी मैंने कर लिया है, तो मिलते हैं आपसे खाना पीना बनाने के बाद, क्योंकि खेत में जाएंगे जोत करने के लिए। और आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि खेत में से आने के बाद फिर मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर जाएंगे होली पर, जहाँ पर होली का दहन होती है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, बना लेते हैं खाना। ये देखिए, पूजा मैंने कर ली है, तो आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए कान्हा जी के सामने। और खीर यहाँ पे हमारी बनने लग रही है, क्योंकि हमारे जो ना देवताओं के लिए हम खाना बनाते हैं, तो उसको नहा धोकर ही बनाते हैं। और अभी मैं आटा लगा लेती हूँ, तो इसने खीर हमारी तैयार होगी, तो आटा लगा कर फिर बनानी है पूरी। सब्जी मैंने बना दी है, भंडारे वाली सब्जी बनाई है, आलू टमाटर आलू बॉयल करके जो बनते हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ, यहाँ पर पूरी है, सारा काम कर दिया है ख़त्म, और खीर भी बन गई है, हमारी सब्जी भी बन गई है। पूरी बनेगी देसी घी में, तो देसी घी मैंने कढ़ाई में चढ़ा रखा है, और मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर पूरियाँ उतारने के लिए, क्योंकि खेत में जाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है दीवार में सच में। और इधर मैंने रख रखा है दूध गर्म होने के लिए, जो सुबह दूध आया था, तो उसको गर्म करके रख दूँगी, साथ के साथ वो भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पर मेरा सारा खाना बन चुका है, अभी मैं टिफ़िन में पैक कर लेती हूँ, जो हमें अपने देवताओं पर लेके जाना है खेत में, और उसको हम वहाँ पर पूजा करने के बाद आते हुए मंदिर में पंडित जी को दे देते हैं इस खाने में। इसीलिए हम अपने खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये खाना जो हमारा है देवताओं के लिए जाता है, और फिर पंडित जी के लिए जाता है, वे खाते हैं, तो इसमें हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो अभी खीर पूरी और सब्जी टिफिन में पैक कर लेती हूँ, और पूजा का जो जो सामान है वो भी। और यहाँ पे मैंने खाना तो पैक कर दिया है टिफ़िन में, और पूजा का जो सामान है वो मैंने एक कंडी में बास्केट में रख रखा है, तो उसको भी रख दूँगी। और जो हम जल लेके जाते हैं, जिससे हम अपने बाबा को नहलाते हैं, मतलब देवताओं को, तो वो जल उसमें दूध डाल के वो भी रख दूँगी तैयार करके। और त्योहारों पे ना बहुत ज़्यादा भगदड़ सी रहती है सारे ही काम की, तो मैं यहाँ पे अपना सारा सामान तैयार करके रख दिया, क्योंकि फिर ना मतलब वो जब सभी लोग जाएंगे ना, ऐसा लगता है कि हमारी वजह से लेट ना हो जाए, तो इसीलिए अपना सारा सामान मैंने तैयार करके रख दिया है। और बाकी की पूरियाँ मैं आगे बनाऊँगी। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देवताओं पर खेत में पूजा करने के लिए, तो आज बहुत तेज़ हवा चली थी। वैसे होता है अक्सर, जैसे होली दिवाली पर हम पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत हवा चलती है। तो जी, हम यहाँ पे बाबा को नहला देंगे, और ये बो रखे है गेहूँ, और इसमें बोया है जो खेत खाली है, इसमें से आलू खुदे थे, तो इसमें बो दिया है न्यार। अब पूजा करेंगे, जो हमने बड़कुल्लों की जेल बनाई थी वो बाबा पे चढ़ा देंगे, और हम होली पर ही पढ़ाई चढ़ाते हैं, मतलब होते हैं ना, वो होली पर ही चढ़ाते हैं, दिवाली पर नहीं चढ़ाते। तो अभी हमने पूजा कर लिया, चलते हैं घर। और ये देखिए बाग में, ये है आलू, ये चिप्स होना आलू है, कितने सारे आलुओं का ढेर लगे हुए हैं, ये जा रहे हैं आलू सेल के लिए, तो ये जाएंगे बाहर। और आजकल बंदर ना इन आलुओं में ही लगे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं होली ठंडी करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे गांव में होली पड़ती है, जिस जहाँ होली का दहन होता है, तो यहाँ पे आए हैं हम घर से सामान लेके, और चाचा जी और हम सब मम्मी हैं, तो हम यहाँ पे होली ठंडी करने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा करेंगे, जो जेल बनाई थी वो जेल लेके आए हैं, गुड़ चून हल्दी उन्हें सब डालकर पूजा करेंगे, और फिर रील का चारों तरफ को चक्कर लगाएंगे। दो चक्कर हम पानी के लगाते हैं, दो चक्कर तीन चक्कर हम रील के लगाते हैं, तो पांच चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से बाकी सब भी यहाँ पे पूज रहे हैं, और बस फिर चलते हैं घर। घर जाकर बनाऊँगी खाना। मत
वहाँ खड़ी हो गई खड़ी देखा अम्मा पर लीची बो की अम्मा देख मेरी हाँ लीची अम्मा का वो बुढ़िया आया हो बुढ़िया नहीं अम्मा बुढ़िया आया हो अब अम्मा देख बुढ़िया है अभी वो बुढ़िया ना अम्मा है बुढ़िया अम्मा है अम्मा है देख अम्मा बाल बुढ़िया तू कैसा मुंह लगाए बैठी कर्मा है मेकअप कर रखा आगे कुछ भी ना कर रखा दिखा दे अपना मुंह जल्दी ना देखा तो घर का देखूंगी अभी आ रही छोड़ दे कैसा दिख रहा चादर देख कैसा दिख रहा है ठीक ना दिख रहा अब भी ऐसे ही दिख रहा अब भी ना भैया और अभी आ गई हूँ घर घर पे आके बनाया खाना ये मम्मी के भतीजे आ रहे हैं मम्मी की बोतली लेके तो मैंने इनके लिए खाना बनाया बाकी सब ने भी खाना खाया बैठ के तो जी आज का व्लॉग बस यही है जो जो हमने होली पे किया वो आप लोगों के साथ शेयर करें ये लोग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और कमेंट भी करना और जो चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में आप तब तक के लिए आप सभी को हमारे राम राम बाय बाय हैप्पी होली रंगों भरा त्यौहार खुशियों से मनाइए और खुश रहिए एंजॉय करिए।